जीत हासिल की है, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं, किसको श्रेय देंगे? निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है और श्रेय भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, केंद्र की और प्रदेश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय योगी आदित्यनाथ, इनकी सरकारों ने जो अच्छे काम किए हैं यही पार्टी को विजय का कारण बना है। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, आप जीत के आए हैं नवाबगंज के लिए? देखिए, प्राथमिकताओं के लिए खास तौर से हमारे युवा एम्प्लॉयड हो सकें, इसके लिए कुछ मतलब स्किलनेस के सेंटर्स खुलें, कुछ व्यवसायिक शिक्षा के केंद्र खुलें, नवाबगंज में एक रोडवेज का बस स्टेशन बने, नवाबगंज से कोडराकोठी तक का एक सुंदर सा रोड बन सके, ऐसी प्राथमिकताएं अपनी है। बरेली को 3 डॉक्टर मिले हैं एमएलए जी। बरेली आज भी तरस रहा है, ना आईसीयू है, ना एनआईसीयू है, ना वेंटिलेटर चलते हैं, क्या चिकित्सा में सुधार करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम कर रही है। आपको अगर याद हो तो उत्तर प्रदेश में अब से 5 साल पहले तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 37 मेडिकल कॉलेजेस से ज्यादा हैं। बरेली का 300 बेड का अस्पताल सफेद हाथी बन चुका है, डॉक्टरों की कमी है, केवल कुछ नहीं होता वहाँ, इलाज नाम की चीज नहीं। पिछले साल 5 साल आपकी सरकार रही, क्या अब आगे कुछ उम्मीद है? देखिए, हॉस्पिटल बना है तो निश्चित रूप से डॉक्टर्स भी आएंगे, बाकी सुविधाएं भी विकसित होंगी, ये बात तय है। पिछली बार सरकार जो थी डॉक्टरों के दबाव में रही है, उसको इसके बाद डॉक्टरों की बहुत कमी रही है, 400 की वैकेंसी है, 200 डॉक्टर उसको मिले, इस बार सरकार को चेंज करेगी रुझान? देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जब आवश्यकता महसूस हो रही है तो निश्चित रूप से डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट भी होगा। और दूसरी खास बात यह है कि पिछले 1-2 साल से डॉक्टरों की डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ गई, कोरोना के कारण से जो जितनी आवश्यकता हुई उतनी पूर्ति नहीं हो सकी, लेकिन आगे से डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ चिकित्सा सुविधाएँ अच्छी होंगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।